आज समय आ चुका है, आज समय आ चुका है इस बात की संगोष्ठी और सोच विचार का कि 5 साल पहले आप लोगों ने दिल खोलकर अपना मत का उपयोग किया था, एक सरकार बनाई थी, एक ऐसी सरकार दिल्ली में बनाई थी जिसने आश्वासन ढेर सारे दिए थे, बहुत गरजे थे भाषणों में, लेकिन बरसना आज तक किसी ने नहीं देखा। नीचे बैठ जाओ, गरजना तो बहुत देख लिया, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, लेकिन बरसना नहीं देखा। आश्वासन बहुत देख लिए, लेकिन जमीनी कार्य आज तक नहीं देखा। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई जनसेवक आश्वासन दे तो उस आश्वासन पर खड़ा उतरना उस जनसेवक का दायित्व तो नहीं होना चाहिए, उस जनसेवक का धर्म बनना चाहिए। पुरानी इतिहास है हमारी संस्कृति में, पुरानी इतिहास है हमारी संस्कृति में। बैठ जाओ थोड़े। पुरानी कहावत है हमारी संस्कृति में, कहावत है कि जान जाए बचन न जाए, जान जाए पर बचन न जाए। और इस सरकार ने ये सबूत करा दिया है कि वचन जाए पर जान न जाए। बोला था इन्होंने कि हम सारे के सारे पब्लिक बस इस क्षेत्र में लगवाएंगे, 5,000 पब्लिक बसों को लगाने का आश्वासन दिया था। आज मुंडका में, नंदलोई में, आसपास के क्षेत्र में बस नहीं दिखते, लेकिन जितना डीटीसी के 6,820 बस थे उनकी भी कटौती करके केवल 3,000 तक छोड़ दिया। बोला था इन्होंने कि सुरक्षा के लिए हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैं आज अपनी मुंडका की महिलाओं से पूछना चाहता हूं कि आज 5 साल बाद भी एक एक घर, एक एक बस्ती की प्रगति और विकास सुनिश्चित होती थी। 15 साल कांग्रेस के शासन में पूरी दिल्ली में अगर मेट्रो लगाया तो वो 15 साल के शासनकाल में मेट्रो लगा था दिल्ली में। अगर दिल्ली में महत्वपूर्ण कदम जितने ओवरब्रिज और फ्लाईओवर पर चलते चलते 2 घंटे में मैं यहाँ पहुंचा हूँ, एक एक फ्लाईओवर ओवरब्रिज अगर किसी ने बनाया तो शीला दीक्षित जी की सरकार ने दिल्ली में बनाया। प्रदूषण की आज बात करते हैं, सेना जिंदाबाद। नेता वो होता है, निर्माणकर्ता वो होता है जो समय के पूर्व दृष्टिकोण के साथ अपनी जनता के लिए और मतदाता के लिए योजना और क्रियान्वयन और सकने को साधन। 10 कांग्रेस की सरकार ने ये सब किया था उस समय में, उस जमाने में। तो एक तरफ एक सरकार है जो बहुत गरजती है लेकिन बरसती नहीं, एक तरफ एक सरकार है जो आश्वासनों की सूची बना देती है लंबी, लेकिन कारगर की सूची तो इतनी छोटी रह जाती है। और दूसरी तरफ केंद्र में एक सरकार बैठी हुई है। आज देश का किसान पूरी तरह से बेबस हो चुका है, नौजवान
बेरोजगार हो चुका है, युवा परेशान है, व्यापारी त्रस्त है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से बिंदास बैठ के खड़ी हुई है। हर तरफ देखो आप, इस भारत देश में आप और हम हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। ये दृश्य देखो, पूरी तरह से मंदी का वातावरण, लोग बेबस, लोग परेशान, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी परेशान है, नोटबंदी लागू है, महंगाई का जमाना है, और फिर उनका शीर्षक सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। ये वो सरकार बैठी हुई है जिस सरकार ने एक आर्थिक मंदी का वातावरण पूरे देश में कायम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में 8.5% वृद्धि हुई थी घरेलू उत्पादन के दर पर, महंगाई 3% पे थी, और भाजपा के शासनकाल में घरेलू उत्पादन का दर 3% पे आ गया और महंगाई 8% पे चली गई। सेम सेम, चाहे भाजी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, अरे प्याज की तो आंसू जनता को बहा दिया। महंगाई का वातावरण, ये कहते हैं कि घरेलू उत्पादन का दर हम बढ़ाएंगे, GDP, पर इनके लिए GDP घरेलू उत्पादन का दर नहीं होता, इनके लिए तो GDP होता है गैस, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा के छोड़ दे। शासन का जहां $112 प्रति बैरल तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, और पेट्रोल और डीजल का दाम 50 से 65 रुपया, आज अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम $55 प्रति बैरल, और गैस और पेट्रोल का, डीजल और पेट्रोल का दाम 80 से 90 रुपया। ये कौन सी अर्थव्यवस्था का जवाब है, भगवान जाने। ये इस सवाल का जवाब इस सरकार से, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं, मंडी में जाओ तो राशि नहीं, किसान का ऋण माफ नहीं हो सकता, औद्योगपतियों का 3 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है, लेकिन गरीब किसान का ऋण माफ नहीं हो सकता। और पिछले 2 दिन के बजट में सारी कृषि की योजनाओं का बजट ध्वस्त, प्रगति और विकास के योजनाओं का राशि ध्वस्त, और बेरोजगारी की तो लाइन लगी हुई है। हमारे बच्चे जब शिक्षा के लिए स्कूल में जाते हैं, माँ बाप अपने पूरे जिंदगी की कमाई अपने बच्चों को शिक्षित कराने के लिए देते हैं, और जब वो बच्चा स्कूल और कॉलेज से निकलता है, अपने साक्षरता का सर्टिफिकेट निकाल के निकलता है, सालों साल उसके रोजगार नहीं मिलता, और इस BJP के शासन में नौजवानों का साक्षरता के सर्टिफिकेट को इन्होंने बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील करके छोड़ दिया। तो नौजवान बेरोजगार, किसान लाचार, महंगाई का माहौल, और इन सब प्रश्नों के जवाब देने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री दिल्ली के गली गली में घूम रहे हैं, किसी को आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। वो मेरे प्रतिद्वंदी जरूर हो, अलग पार्टी के हो, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवाद का नाम देना, ये प्रजातंत्र को शोभा नहीं देता। मेरे भाइयों और बहनों, आज जो वातावरण देश में तैनात हो रहा है, जहां रोटी, कपड़ा और मकान के प्रश्न के बावजूद ये मुद्दा उठा रहे हैं, CA का, NRC का,
आज दिल्ली का एक एक वासी चाहता है उसकी रोजी रोटी कपड़ा और मकान का जवाब मिलना चाहिए, उसके भविष्य का निर्माण का सपना और रास्ता दिखना चाहिए। तो ये जो नेता लोग आ रहे हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे योगी जी हो, चाहे संजीव सिंह हो, चाहे हेगड़े जी हो दक्षिण भारत में, जिन्होंने गांधी जी के नाम को भी बदनाम करने की कोशिश की है, ये प्रजातंत्र पे कलंक लगाने की कोशिश नहीं, ये हमारे भारत की माटी पर कलंक लगाने की कोशिश है। और इस परिवर्तन को अगर लाना होगा, केवल यहाँ तालियां बजाने से काम नहीं होगा, असली औजार आपके हाथ में है। आपके हाथ में है कि दिल्ली का भविष्य कैसे निर्माण हो, आपके हाथ में है कि ये दिल्ली का चुनाव दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश को संदेश भेजेगा, पूरे देश को संदेश भेजेगा कि नकारात्मक सोच विचारधारा के लिए भारत के वासी के दिल में कोई स्थान नहीं। नकारात्मक सोच विचारधारा को हम अलग करके सकारात्मक सोच विचारधारा के साथ चलेंगे। तो आज आपके सामने मैं निवेदन करने आया हूँ कि नरेश कुमार जी को मुंडका में अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करो और हाथ के पंजे वाले बटन को दबाकर इनको विधानसभा में भेजकर कांग्रेस के झंडे को बुलंद करो, अपने आने वाले भविष्य को बुलंद करो और आपका हाथ हमारे हाथ के साथ और दिल्ली की प्रगति और विकास हम सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।